यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीत का नशा सत्ताधारी सपाइयों के सर पर चढ़कर बोला है। कानून को ताक पर रखते हुए सूबे की सत्ताधारी पार्टी ने बेकाबू कार्यकर्ताओं धुआंधार फायरिंग की। तस्वीर आपके सामने आगरा शामली की आप देख सकते हैं। इस दौरान शामली के एक बच्चे की तो मौत हो गई है, तो आगरा में 3 लोग जख्मी हो गए। कानून को ताक पर रख दिया गया और जश्न किस तरीके से मनाया गया, तांडव हुआ आगरा और शामली की तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं। कानून को ताक पर रखकर ये फायरिंग होती है। तो वे शामली के कैराना ब्लॉक में जीत से उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। वो जीत के जश्न में पूरी तरह से मदहोश हो गए, कई दर्जन फायरिंग कर डाली खुशी की वजह से। और इस फायरिंग की बात करें, इसकी चपेट में आने से एक मासूम गंभीर तौर पर जख्मी हुआ, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस बच्चे। दरअसल कैराना ब्लॉक में सपा प्रत्याशी नफीसा ने सर्वदलीय प्रत्याशी संजीदा को नजदीकी मुकाबले में शिकस्त दी। सपा प्रत्याशी की जीत की सूचना मिलते ही उसके समर्थकों ने ब्लॉक कार्यालय के सामने ही अवैध हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी। सपाइयों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दर्जन अवैध हथियारों से फायरिंग की है। फायरिंग का ये सिलसिला जो है करीब आधे घंटे तक चलता रहा। तो वही गुस्साए मृतक बच्चे के परिजनों ने कैराना के पानीपत खटीम राजमार्ग पर जाम लगा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सफाइयों का तांडव जो है सरेआम सरेराहा नजर आता हुआ। सवाल ये उठा लाजमी है कि इसमें उस मासूम की क्या गलती थी जो उसकी चपेट में आ गया और उसकी जान जाती रही। कौन है उस मौत का जिम्मेदार? आगरा में चुनाव में जीत के बाद हर्ष फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए। मामला खेरागढ़ तहसील का है, जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खेरागढ़ तहसील के सपा से सुनीता देवी जो है विजयी रही है। जीत के बाद सपा समर्थक बेकाबू हो गए और पुलिस की मौजूदगी में लोग हाथों में हथियार लेकर ब्लॉक पर पहुंच गए। देखते ही देखते फायरिंग भी शुरू हुई और इस फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया है। तो अभी जो आपने तस्वीर देखी वो आगरा की तस्वीर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी में नजारा सिर्फ आगरा में ही है। जी हाँ, ऐसी कई और तस्वीरें हैं। 4 तस्वीरें तो आप इस वक्त देख सकते हैं। हाथरस, देवरिया की बात करें, अमेठी और गोंडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जीत के जश्न में कई राउंड फायरिंग हुई है। सपा के कार्यकर्ता जीत के जश्न में जमकर फायरिंग कर रहे हैं। अमेठी में भी नजारा कुछ ऐसा ही था, सपा की जीत जो है सर पर चढ़कर इनके बोल रही थी। देवरिया, अमेठी, गोंडा, हाथरस सब जगह लगभग एक ही नजारा था चुनाव के दौरान। इस बीच गोंडा में खासतौर पर हंगामा भी हुआ, लेकिन देवरिया की बात करें, देवरिया के भागलपुर ब्लॉक में सपा प्रत्याशी की हार के बाद सपा के नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर फायरिंग की, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन ये सभी तस्वीरें बयां कर रही हैं एक बात को, कि यूपी में लोकतंत्र है या गणतंत्र।